नमस्कार, आज का सब्जेक्ट है ऑटोकैड में ड्राइंग को इंचेस टू एमएम में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब के चैनल कैड टू करेक्ट में, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे आने वाले वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। ये मैंने एक डेमो के लिए एक ड्राइंग ओपन की हुई है। हम इसको पहले तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ड्राइंग के यूनिट चेक कर लेते हैं। यूनिट्स के लिए हम कमांड देंगे UNITS, फिर हम प्रेस करेंगे एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमें यूनिट्स दिखाया जाता है। यहाँ पे आर्किटेक्चर में है और यहाँ पे इंचेस दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह ड्राइंग इंचेस में है। ड्राइंग में भी हम मेजर करके इसके यूनिट्स चेक कर लेते हैं। मेजर करने के लिए हम कमांड देंगे DI, डिमेंशन, डिस्प्ले। हम प्रेस करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद इस पे चिपाई फर्स्ट पॉइंट, देन हम फिर सिलेक्ट करेंगे सेकंड पॉइंट। इसका मतलब यहाँ पे ये 1 फिट दिखा रहा है, यानी ये ड्राइंग फिट में है। सेकंड हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, यहाँ पे भी ड्राइंग में फिट्स में मेजरमेंट दिए गए। ड्राइंग को इंचेस टू एमएम करने के लिए हमें ड्राइंग को करना होगा स्केल। स्केल करने के लिए हम कीबोर्ड पर कमांड देंगे SCALE, प्रेस करेंगे कीबोर्ड पर एंटर। एंटर करने के बाद हम ड्राइंग को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमें कोई भी स्पेसिफाइड बेस पॉइंट हम कहीं पर भी ड्राइंग में क्लिक कर लेंगे, क्योंकि हम कोई सेपरेट ऑब्जेक्ट को नहीं कर रहे, हम एक एंटायर ड्राइंग को स्केल कर रहे हैं। तो हम ऑन स्क्रीन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक कर लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद स्पेसिफाई स्केल फैक्टर पूछा जा रहा है। स्पेसिफाई स्केल फैक्टर 1 इंच इक्वल टू 25.4 mm। इसके लिए हम स्केल फैक्टर देंगे 25.4। 25.4 इनपुट करने के बाद हम कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद हमारी ड्रॉइंग स्केल हो चुकी है By 25.4 times। अब हम कीबोर्ड पे जूम इंटर ए इंटर प्रेस करके हम ड्राइंग को जूम कर लेंगे। अभी हमारी ड्राइंग एमएम में कन्वर्ट हो चुकी है। उससे स्केल करने के बाद हम ड्राइंग के यूनिट्स भी चेंज कर देंगे। हम UNITS यूनिट्स कमांड देने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे ड्राइंग यूनिट्स में जाके हम आर्किटेक्चर को कर देंगे डेसिमल। यहाँ पे प्रिसिशन 0 रख देंगे। यहाँ पे जो इंसर्टेशन स्केल यूनिट स्केल इंसर्टेड कंटेंट को हम इंचेस से मिलीमीटर कर देंगे, क्योंकि हमने हमारी ड्राइंग को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्लिक करेंगे ओके। ओके करने के बाद हम उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। मेजरमेंट हम DI प्रेस, DI कमांड देने के बाद कीबोर्ड पे करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमने क्या, ये 305 है, ये 305 mm डिस्टेंस है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।